मुंगेर में नहीं बल्कि पटना में मिनी गन फैक्ट्री चल रहा था जिसका भंडाफोड़ हो गया है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि आपके जेहन में मिनी गन फैक्ट्री के नाम पर मुंगेर की तस्वीर सामने आती होगी। जी हां, मुंगेर जहां मिनी गन फैक्ट्री का अवैध जो कारोबार खूब फलता फूलता रहा है, लेकिन पटना में भी हाल के दिनों में मिनी गन फैक्ट्री पकड़ी गई है। एक बार फिर से पटना में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पटना के गौरीचक में मिनी गन फैक्ट्री चलाया जा रहा था, तो इस पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर लिया है। पिस्टल बनाने का सामान बरामद किया गया है। तो आपको पूरी खबर बताएं कि गौरीचक थाने की पुलिस ने पियरिया गांव के एक मकान से अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इस मामले में दो लोगों को अरेस्ट किया गया है और पिस्टल बनाने का सामान भी तहखाने से बरामद किया गया है। तो पटना के ग्रामीण एसपी हैं मोहम्मद इमरान मसूद और एएसपी काम्या मिश्रा ने इस पूरे मामले का उद्भेदन किया, उनके नेतृत्व में जो टीम गठित की गई थी उनके निर्देश पर, और टीम को सफलता मिली है। तो क्या कुछ कह रहे हैं पटना के ग्रामीण एसपी इमरान मसूद, पहले सुन लीजिए। गांव से हम लोगों को आज गुप्त सूचना मिली कि वहां पे एक दीपक सिंह का घर है जहां पे मिनी गन फैक्ट्री चल रही है अवैध रूप से। इसी में एएसपी सदर के द्वारा के नेतृत्व में टीम गठन किया गया और गौरीचक एसएचओ के द्वारा रेड किया गया। रेड करने पे जो दीपक सिंह के घर है वहाँ पे हम लोगों ने सर्च किया। सर्च के दौरान उसके घर में अंडरग्राउंड तहखाना मिला जहाँ पे एक मिनी गन फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी और साथ ही साथ दो वहाँ पे व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई जो कि मौके वारदात में मौजूद थे। ये दो लोगों का नाम है मोहम्मद चुन्ना और मोहम्मद एहसान। ये दोनों मुंगेर के रहने वाले हैं, बरधा के रहने वाले हैं, मुफस्सिल थाना अंतर्गत, और पहले से आर्म्स एक्ट के अपराध में जेल जा चुके हैं। इसमें जो जिसका घर था दीपक सिंह वो भी अभी वर्तमान में जेल में है। आर्म्स एक्ट के केस में एक महीना पहले ही गौरीचक थाना से वो जेल गया है और उसी के पास से एक हथियार बरामद हुआ था और उसके बाद से लगातार हम लोगों को ये सूचना थी कि वहाँ पर इस तरह का कारोबार चल रहा है और उसी में एएसपी सदर के द्वारा जो टीम गठन किया गया उसमें रेड हुआ और उसमें सफलता मिला है। इसमें जो बरामद हुआ है रॉ मटेरियल हम लोगों के पास बरामद हुआ है, इसमें लेथ मशीन है और अन्य सामग्री है जिससे हथियार का ये लोग बनाते थे, भारी मात्रा में बरामद हुआ है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कई चीज़ जो पिस्टल है भारी मात्रा में निर्मित होने वाला था, करीब 30 से 35 पिस्टल जो बनाने वाले का सामान हम लोगों को मिला है। इसमें स्प्रिंग मिला है, बट प्लेट मिले हैं और लेथ मशीन मिले हैं, इसके अलावा अन्य सामग्री मिला है। इसमें जो इन लोगों से हमने पूछताछ किया है, इस पूछताछ क्रम में मालूम पड़ा है कि दीपक सिंह जो कि वर्तमान में जेल में हैं उनके ये लोग पुराने सहयोगी हैं और मुंगेर से ही सामान ला करके ये लोग यहाँ पे बना करके इसको बेचते थे। इस पर अन्य पूछताछ चल रही है, इस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। तो सुन लिया आपने कि किस तरह से चलाया जा रहा था, पटना में मिनी गन फैक्ट्री चल रहा था। बताया ये जा रहा है कि दीपक सिंह के मकान में ये मिनी गन फैक्ट्री चलाया जा रहा है और दीपक सिंह ही इस पूरे मामले का जो मुख्य सरगना है, मास्टरमाइंड है और दीपक सिंह ही हथियारों का सौदा किया करता था। बताया ये जा रहा है कि दीपक सिंह फिलहाल आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद है, लेकिन वो जेल से ही इस साम्राज्य को चला रहा था। उसके जो गुर्गे हैं, जो कारिंदे हैं, वो इस काम को अंजाम दे रहे थे। बताया ये जा रहा है कि यहाँ जो हथियार बनते थे 25 से 30 हज़ार रुपये में उसे बेचा जाता था और ये जो घर के अंदर तहखाने में ये काम चल रहा था, अंडरग्राउंड तहखाना था और वहाँ पर ये हथियार बनाए जा रहे थे। और अब पुलिस को जो जानकारी मिली है उस आधार पर पुलिस आगे भी खोजबीन कर रही है, छानबीन कर रही है और अभी आगे और भी इस मामले में कई लोगों की संलिप्तता उजागर हो सकती है। हालांकि जो बताया जा रहा है कि हथियारों का जो सप्लाई करता था, जो दीपक सिंह है जिसके मकान से ये बरामद किया गया है सब कुछ, वो अपने तहखाने में चला रहा था, घर के तहखाने में, और बताया ये जा रहा है कि जो दीपक सिंह है उसका
कई बड़े अपराधियों से कनेक्शन है। दरअसल उन अपराधियों के साथ ये साठगांठ करता था, हथियार बनाकर उन्हें सप्लाई किया करता था। तो मुंगेर और अगमकुआ थाना क्षेत्र के आर्म्स एक्ट में जो ये जो पकड़े गए हैं, जो दोनों कारीगर हैं, वो मुंगेर और अगमकुआ थाना क्षेत्र के आर्म्स एक्ट में जेल भी जा चुके हैं। यानी ये जो कारीगर हैं वो हथियार बनाने के एक्सपर्ट हैं और पहले भी इस मामले में जेल जा चुके हैं, लेकिन जेल से निकलने के बाद इस कारोबार को, ये अवैध मिनी गन फैक्ट्री को अंजाम दे रहे थे। वहाँ पर हथियार तैयार किए जा रहे थे और ख़तरनाक अपराधियों को ये हथियार 25-30 हज़ार रुपये में बेचे जा रहे थे। तो खैर, पुलिस ने इसका खुलासा कर लिया है। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।